हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक नाम के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पी ब्लॉक एक सिस्टमेटिक चैप्टर है और इसको हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा। मेरी सबसे बड़े टिप्स आपके लिए ये रहेंगे कि इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में आ जाती हैं। तो यहाँ पे हर छोटी छोटी बात को आपको महत्व देना है, हर छोटी से छोटी बात के आपको नोट्स बनाने हैं और उसको दिमाग में रखना है, बार 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 उसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये चैप्टर कंसेप्ट और फैक्ट्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कंसेप्ट तो आप समझ जाओगे, पर फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़िएगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊं कि हम इस चैप्टर को भी मक्खन कर दें। शुरू करते हैं दोस्तों। पी ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से आता है कि जब किसी तत्व के आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाता है तो उसे हम पी ब्लॉक का सदस्य कहते हैं। हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए इसके अंदर 6 वर्ग होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब उसमें से जो 13वां वर्ग था और 14वां वर्ग था वो हमें पढ़ना था क्लास 11th में। क्लास 12th में अर्थात इस क्लास में हम लोगों को ग्रुप 15 से अर्थात वर्ग 15 से शुरुआत करनी है। आपके सामने वर्ग 15 के पांचों सदस्यों के नाम लिखे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। याद करना बेहद आसान है, दो तरीके से आप कर सकते हो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, ऐसे याद रख सकते हो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, एक तो ये याद रख सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, नाना पाटेकर आज हम सबके बीच है। नाना मतलब एन, नाना पाटेकर आज हम सबके सबके बीच हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपन लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग के दो सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके हमें सबका आइडिया लग जाएगा। देखना, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7 और फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक है 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख सकें। अब देखो नंबर 7 का अपन देखें तो 1s2, 2s2, 2p3। 15 का लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 5 15, 3 और 2 5 और 2 7। अब अगर आप इस पे गौर करो तो बाह्यतम कोश, सबसे बड़ा कोष कौन सा है? 2, बाह्यतम कोश। इसमें बाह्यतम कोश कौन सा है? 3। तो आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगी। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना मैं आपको फर्स्ट वीडियो में सिखा चुका हूं, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार आप उसको जाकर के देख लें और खुद से प्रैक्टिस कर लें। अभी यहां पर आप समझो इसके बाह्यतम कोश का विन्यास क्या है, 2s2 2p3। इसके बाह्यतम कोश का विन्यास क्या है, 3s2 3p3। अब पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो बच्चों, इसका क्या होगा, इसका बाह्यतम कोश का होगा 4s2 4p3। जो पैटर्न समझ लिया वो इस चैप्टर का राजा बन सकता है। एंटीमनी इसका क्या होगा, 5s2 5p3, लिख के देख लेना। बिस्मिथ का क्या होगा, 6s2 6p3। मतलब अगर एक बात को समझा जाए कि इन सब में क्या चीज कॉमन है, तो इन सब के बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 इलेक्ट्रॉन है। इनको जनरल फॉर्म में लिखा जाए, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो वो होता है बाह्यतम कोश का ns2np3। अब बस इस n के मान बदलेंगे, अगर नाइट्रोजन की बात हो रही है तो बाह्यतम कोश के लिए n 2 है, 2s2 2p3। जब फास्फोरस की बात हो रही है तो बाह्यतम कोश के लिए n का जो मान है वो 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 6 है। बाकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कोई आपसे पूछे आज के बाद ग्रुप 15 का क्या है, वर्ग 15 का क्या है, तो शान से बताइएगा ns2 np3। बाह्यतम कोश, सबसे बाहर वाले कोश की बात हो रही है। तो ये सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने समझ लिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसके बाद में होती है वो ये है कि कौन क्या है, अर्थात धातु है, अधातु है या उपधातु है। तो अब मैं आपको वो बता रहा हूं, ध्यान सुनना।
आपके दो सदस्य नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये दोनों अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। जो आपका आर्सेनिक और एंटीमनी है वो उपधातु है। उपधातु को इंग्लिश में मेटलॉइड कहते हैं, जिसका मतलब होता है उसके कुछ गुण धातु से मिलते हैं और उसके कुछ गुण अधातु से मिलते हैं। तो ये दो आपके क्या है, उपधातु। और बिस्मिथ के लिए कहा जाता है कि ये टिपिकल मेटल है, टिपिकल धातु है, अर्थात पुअर मेटल है। देखो मेटल्स की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि उनके ऊपर अगर हथौड़ा मारा जाए तो वो शीट के रूप में बदल जाते हैं। इसको आघात वर्धिता कहते हैं कि आघात पड़ने पर वो बड़े हो जाते हैं, वर्धे हो जाते हैं, शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। परंतु हमारा जो बिस्मिथ है ना, वो ब्रिटल होता है, भंगुर होता है। भंगुर का मतलब अगर उस पर हथौड़ा मारोगे तो वो बिखर जाएगा। जैसे नमक की डली होती है ना, नमक की डली के ऊपर ऐसे हाथ मार के देखो वो बिखर जाती है, बिल्कुल वैसे ही बिस्मिथ होता है। तो बिस्मिथ धातु है, बट गरीब धातु है, पुअर धातु है, कमजोर धातु है, इसलिए इसको कहते हैं टिपिकल मेटल। मैंने आपको कारण बताया, बाकी सारी धातु आघात वर्धी होती है, बट हमारा जो बिस्मिथ है वो भंगुर है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज के कारण बिस्मिथ को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल धातु, अर्थात पुअर मेटल, कमजोर धातु। अब मेरी बात को समझिएगा, तो आपको ये क्लियर हो गया। इस पूरे परिवार, ये पूरा एक परिवार है, वर्ग एक परिवार होता है, ग्रुप एक परिवार होता है। तो ये जो परिवार है इसको नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। इस परिवार का सबसे पहला सदस्य जो है वो हमारा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के परिवार को हम लोग ग्रुप 15 का दूसरे नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम होता है पिनैकोजन। लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, पिनैकोजन, इसको पिनैकोजन भी कहते हैं। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि ग्रुप 15 जो है वो नाइट्रोजन परिवार है, उसके अंदर अधातु, उपधातु और धातु तीनों उपस्थित हैं। इस परिवार की जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2NP3 है। विन्यास लिखना हम सीख चुके हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रकृति में कौन किस रूप में पाया जाता है। कभी भी आपको नाइट्रोजन मिलेगा तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा N2 के रूप में। नाइट्रोजन आपको N2 के रूप में मिलेगा और ये गैस होती है। आपको पता है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन है, तो N2 के रूप में मिलती है नाइट्रोजन। फास्फोरस को अगर आप कभी भी देखोगे तो वो P4 की फॉर्म में मिलेगी। आगे जाके हम इन कारणों को समझेंगे कि ये N2 क्यों बनाता है और ये P4 क्यों बनाता है। हर छोटी छोटी बात का आपको जवाब मिलेगा, अभी आप फैक्ट को सुनते जाओ। नाइट्रोजन जो है वो आपको N2 के रूप में मिलती है, फॉस्फोरस आपको P4 के रूप में मिलती है, और ये जो है ये सॉलिड है, अधातु होते हुए भी सॉलिड है। बहुत खास बात है, याद रखना। जब भी मैं आगे रिएक्शंस कराऊंगा, जहां कहीं भी नाइट्रोजन लिखा हुआ आएगा मैं N2 लिखूंगा रिएक्शन के लिए, कहीं भी फास्फोरस रिएक्शन कर रहा होगा तो P4 लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन किस रूप में मिलता है। और ये तीनों जो है, ये तीनों आपको ठोस के रूप में मिलते हैं, सॉलिड ठोस के रूप में मिलते हैं। तो कौन कैसे मिलता है, नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलता है गैस, फॉस्फोरस P4 के रूप में मिलता है सॉलिड, और ये तीनों भी आपको किस रूप में मिलते हैं, ठोस अवस्था के रूप में मिलते हैं। तो ये मैंने ग्रुप 15 के सदस्यों से आपको मिलवाया, जो जो बातें मैंने बोली सब याद रखना। सदस्यों के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2NP3 वो याद होना चाहिए, कौन अधातु, कौन उपधातु, कौन धातु पता होना चाहिए, और कौन किस रूप में मिलता है ये भी ध्यान होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं इस ग्रुप के बारे में और चर्चा। देखिए यहां तक का स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। अब दोस्तों मैंने जो ग्रुप 15 है, उस ग्रुप 15 के जितने भी सदस्य हैं उन सब के ये जो भी गुण हैं, परमाणु त्रिज्या, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, आयनन विभव, वेद्युत ऋणात्मकता, इन सब के मान NCERT से लिख दिए हैं। अब मैं आपके सामने आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि ये सारे मान में जो भी परिवर्तन हो रहा है ऊपर से नीचे जाने पर, नाइट्रोजन से बिस्मिथ जाने पर, ये क्यों हो रहा है। और दोस्तों इसके जो लॉजिक निकल के आएंगे ना, वो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो से निकल के आएंगे, जहां हमने इन सब के बारे में अलग अलग बात की है। उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया था, 1 लाख के आसपास के ऊपर व्यूज है अभी तक, तो वो जो आपने सीखा था वो अब यहां पर काम में आएगा। तो मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था कि पहले आपको बेसिक नॉलेज दे रहा था, वो स्ट्रेटेजी अब यहां पर काम आएगी। तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, और मेरा विनम्र निवेदन आपसे ये है कि जो भी लॉजिक मैं बताऊं उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि पी ब्लॉक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन का आंसर तो सब बंदे देते हैं बट सब अपने अपने लॉजिक से देते हैं। तो अगर आपका लॉजिक थोड़ा भी गलत हुआ तो मार्क्स मिलेंगे 0। इसलिए यहाँ पे हर चीज का जो भी लॉजिक है उसको अच्छे से मेरे बोलने पर लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जब आप नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाते हो तो क्या होता है। देखो नाइट्रोजन जो है आपका वो अधातु है, ये आपकी अधातु है, ये आपकी उपधातु है, अभी अभी अपन ने देखा था,
यह आपके उपधातु है और यह आपकी धातु है, गरीब धातु है पर धातु जरूर है। दूसरी बात, इसके बाह्यतम कोश का विन्यास क्या है, 2s2 2p3, इसका क्या है 3s2 3p3, इसका क्या है 4s2 4p3, अब सबसे पहले एक बात को बहुत अच्छे समझो कि जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो किसी वर्ग में तो कोशों की संख्या बढ़ रही है। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कोश बढ़ रहे हैं भैया, यहाँ पे सेकंड अधिकतम कोश है। जैसे इसमें देखा जाए तो ये आपका नाभिक है, तो 1 2 इतना सही है। इसके अंदर 3 कोश हैं, 1 2 3। इसके अंदर 4 कोश हैं, 1 2 3 4। इसमें और ज़्यादा है, 1 2 3 4 5। इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो वैसे वैसे कोश बढ़ रहे हैं, और अगर कोश बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या, आपको पता है नाभिक की बाह्यतम कोश से जो दूरी होती है उसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो एक बात को अच्छे समझो कि यहां पर परमाणु त्रिज्या कम होगी, यहां पर और ज्यादा होगी, यहां पर और ज्यादा, यहां पर और ज्यादा, यहां पर सबसे ज्यादा। तो यही बात है, पहले वाला जो आपके पास लिखा हुआ है परमाणु त्रिज्या 70 110 121 141 148, तो जब अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। इसमें आपको या मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में, क्योंकि भैया सीधा सा लॉजिक है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, और अगर कोशों की संख्या बढ़ती है तो आकार भी मेरे दोस्तों बढ़ता है। एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है पी ब्लॉक के अंदर। पहली चीज क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि सर हमें कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी चीज घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ेगा, द्रव्यमान कम हो रहा होगा तो घनत्व कम हो रहा होगा। अब आप सोचो जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपके तत्व जो है उस तत्व के नाभिक के अंदर प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। आप कोई भी पीरियोडिक टेबल उठा के देख लेना, जब नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ आप जा रहे होगे तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा होगा, और अगर परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, भारी हो रहा है तत्व, तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा, क्योंकि घनत्व का बहुत सिंपल सा सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर द्रव्यमान मेरे दोस्तों बढ़ेगा तो घनत्व भी आपका बढ़ेगा। इसलिए देखो 0.879, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता होना चाहिए। घनत्व का सीधा सीधा कनेक्शन किससे होता है? घनत्व का सीधा सीधा कनेक्शन होता है आपके द्रव्यमान से। ऊपर से नीचे आने पर तत्व भारी हो रहा है, उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है तो घनत्व भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखो, गलनांक के बारे में बात करते हैं, फिर क्वथनांक के बारे में बात। ये दोनों चीजें जो है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बहुत जगह मैं इसके बारे में बात करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा बस बात को। आप पहले मुझे ये बताओ, क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। सही बात है, 10th क्लास की बात याद आ रही है, चैप्टर नंबर 3rd की, कि जो धातुएं और जो आपकी, जैसे सोडियम हो गया, आपका आयरन हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सबके अंदर इनको पिघालना भी मुश्किल है और इनको गैस में परिवर्तित करना भी मुश्किल है। मतलब इनका गलनांक, गलनांक का मतलब क्या होता है, पिघाल देना, और क्वथनांक का मतलब क्या होता है, उबाल देना। तो आपके धातुओं को गलाना भी मुश्किल है, धातुओं को उबालना भी मुश्किल है। तो अगर आप धातु की तरफ बढ़ते हो तो गलनांक भी बढ़ता है, क्वथनांक भी बढ़ता है। ये 10th क्लास के लॉजिक से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा आपके। ऊपर देखो नाइट्रोजन कौन है, अधातु है, अधातु तो वैसे ही गरीब होती है। अधातु को देखा जाए तो अधातु का क्वथनांक गलनांक वैसे ही कम होता है। तो देखो नाइट्रोजन का कितना कम है, 63 गलनांक है, 77.2 क्वथनांक है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक कम क्यों है? बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई साहब ये अधातु है। दूसरी बात, नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलती है, बताया मैंने आपको, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलती है, गैस की फॉर्म में, फॉस्फोरस P4, सॉलिड 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 सॉलिड। तो ऑब्वियस ही बात है, ऊपर से नीचे आओगे तो इसका मतलब दो बातें हो रही है, एक तो आप गैस से ठोस की तरफ जा रहे हो, दूसरा आप अधातु से धातु की तरफ जा रहे हो। और धातुओं का सबसे बड़ा गुण होता है उनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। तो इसका मतलब जब ऊपर से नीचे आएंगे तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ेंगे। वापस से
ऊपर से नीचे आओगे, अधातु से धातु की तरफ आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, गैस से ठोस की तरफ आ रहे हो, तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ेंगे। इसलिए ये गरीब है, देखो कितना गरीब है, गलनांक भी बहुत कम है बेचारे का, क्वथनांक भी बहुत कम है। जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आपका गलनांक बढ़ रहा है 63 से 317 A1089। इधर देखो जब क्वथनांक की बात करते हैं अपन, तो जब अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्वथनांक बढ़ रहा है 77.2, फिर 500, 800 के आसपास, 1800 के आसपास, सही बात है। तो लॉजिक को आपको बहुत अच्छे समझना है। लॉजिक ये है कि जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे अधातु से धातु की तरफ जाते हैं तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। अब जो चीज आप सोच रहे हो ना दोस्तों, वो चीज मैं आपको बताता हूं। आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहां पे लोचा क्यों हुआ, यहां गड़बड़ कैसे हो गई, आपने तो समझा समझा कि यहां पे एरो रोक दिया, इसके बाद का क्या। देखो यहां पे कम हो रहा है, 1089 से 904 हो गया, फिर और कम हो गया, इधर भी 1860 से कम होकर 1837 हुआ, मतलब ये तो लगभग आसपास ही है, बट ये देखो फर्क आया। और यहां और यहां, मेनली यहां और यहां इतना बड़ा फर्क क्यों आया, तो ये मैं आपको समझाऊंगा। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं कभी भी, और आपके मन में जो है उसको समझने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहां जो लफड़ा होता है ना सारा का सारा, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में जब आप आर्सेनिक से एंटीमनी की तरफ जाते हो तो बीच में दो लोगों की एंट्री होती है, DNF ब्लॉक, इधर फिर इधर, तो DNF ब्लॉक की एंट्री होती है। तो DNF ब्लॉक की एंट्री से ये सारा पंगा शुरू होता है, कैसे मैं आपको बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, DNF ब्लॉक की एंट्री हो जाती है आर्सेनिक से एंटीमनी में और एंटीमनी से बिस्मिथ में। तो यहां जैसे इन दोनों की बात होती है, DNF ब्लॉक की एंट्री हो जाती है, तो DNF ब्लॉक की एंट्री होती है एक पंगा हो जाता है, वो पंगा है आकार का कम होना, साइज का छोटा होना। जब DNF ब्लॉक वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, जब 11th में आपने दो शब्द जरूर सुने होंगे, लेंथनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन। संकुचन का मतलब होता है छोटा होना। तो मोटी मोटी मेरी एक बात अभी आपको याद रखनी है बस, वो मोटी बात यह है कि जब अपन आर्सेनिक से एंटीमनी जाते हैं तो DNF ब्लॉक की एंट्री होने के कारण अब इन दो बंदों का आकार लगभग जो है वो बराबर होता है और छोटा होता है। अब देखो ना आकार, यहां पर अगर अपन समझे तो 141 148, तो इन दोनों का आकार जो है वो लगभग बराबर है। अंतर देखो आप, इधर कितना अंतर आ रहा है, इधर कितना अंतर आ रहा है, इधर कितना अंतर आ रहा है, यहां कोई अंतर नहीं है, लगभग बराबर है। तो इन दोनों का आकार जो है वो लगभग बराबर होने के कारण, लेंथनाइड एक्टिनाइड संकुचन होने के कारण, DNF ब्लॉक की एंट्री होने के कारण, यहां पे हमको ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि गलनांक जो है वो इन दोनों के लिए घट जाता है। और एक्चुअल में जो गलनांक है ना, आप आगे जाके और पढ़ोगे कि गलनांक इस बात पर निर्भर करता है कि संकुलन कैसा हो रखा है, निविड़ संकुलन जो आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ठोस अवस्था में, कि पैकिंग कितनी अच्छी है, जो आपका निविड़ संकुलित संरचना है वो कितनी अच्छी है। तो पैकिंग जितनी अच्छी होती है आपका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। तो आप जब यहां से यहां आ रहे थे तो पैकिंग अच्छी हो रही थी, इन दोनों के लिए पैकिंग पुअर है, और पैकिंग पुअर होने के कारण, निविड़ संकुलन पुअर होने के कारण, DNF ब्लॉक की एंट्री होने के कारण, आकार का लगभग बराबर होने के कारण आपको ये अपवाद अर्थात एक्सेप्शन देखने को मिलता है। दूसरी बात, आपका जो क्वथनांक है वो क्वथनांक सबसे ज्यादा निर्भर करता है द्रव्यमान के ऊपर, मोलर मास के ऊपर। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथनांक का मतलब होता है ठोस चिपका हुआ है पास में, उसको अलग कर दो गैस द्रव, और अलग कर दो गैस, तो आपस में एक अणु को दूसरे अणु से अलग करके गैस में बदलना, वही क्या कहलाता है आपका क्वथनांक। अलग करने के लिए आपको एक अणु और दूसरे अणु के बीच के प्यार मोहब्बत को खत्म करना पड़ेगा। अगर एक अणु और दूसरे अणु के बीच में कोई प्यार मोहब्बत है, जैसे कि वैन डेर वाल बल, वैन डेर वाल बल गुरुत्वाकर्षण ही होता है, गुरुत्वाकर्षण बल को केमिस्ट्री में वैन डेर वाल बल कहते हैं, तो आप समझो कि जो आपका नाइट्रोजन है वो तो गैस के रूप में, गैस ऑलरेडी पहले से अलग है तो उसको अलग करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब उसका क्वथनांक जो है सबसे कम होगा। देखो 77.2, जैसे जैसे आप अधातु से धातु की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपका क्वथनांक बढ़ता जाएगा। क्वथनांक निर्भर करता है द्रव्यमान के ऊपर मोस्टली, और गलनांक निर्भर करता है पैकिंग एफिशिएंसी पे। तो इन दोनों में जो प्रॉब्लम आ रही है वो DNF ब्लॉक के कारण आ रही है और पैकिंग के कारण आ रही है, इसलिए यहाँ पे अपवाद देखने को मिल रहा है। जबकि क्वथनांक में आप देखो, क्वथनांक तो ऊपर से नीचे बढ़ ही रहा है, यहाँ हल्का सा नंबर मिसमैच है, वही DNF ब्लॉक के कारण। हालांकि फिर भी आप देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ ही रहा है आपका क्वथनांक, क्योंकि क्वथनांक निर्भर करता है वैन डेर वाल बल पे, और वैन डेर वाल बल निर्भर करता है आपके द्रव्यमान पे। तो द्रव्यमान क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है, इसलिए आपका क्वथनांक भी बढ़ेगा, अलग करना मुश्किल होता जाएगा जब आप ऊपर से नीचे जाओगे।
तो बातों को समझो, लॉजिक को थोड़ा सा दिमाग में रखो, और जब आप नोट्स वगैरह लेंगे तो उसमें एक एक चीज लिखी हुई है, तो वहां पे पढ़ करके आप अच्छे से याद कर सकते हो। आई होप आपके समझ में आए। अब अपन आते हैं आयनन विभव के ऊपर, विद्युत ऋणात्मकता के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों आयनन विभव की। आयनन विभव क्या होता है, सेकेंड वीडियो में आपने सीखा था कि बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम आयनन विभव कहते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जा रहे हैं, आकार बढ़ता जा रहा है। और अगर आकार बढ़ेगा तो आपके नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो ताकत है, जिसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात जेफ कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि नाभिक का अलग अलग कोश के ऊपर अलग अलग ताकत होती है। जो कोश उसके सबसे पास होता है उसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, और जो कोश उससे दूर होता है उस पर उसका प्रभाव कम होता है। तो बाह्यतम कोश के ऊपर उसका जितना भी प्रभाव है उसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जब आपका आकार बढ़ता है तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ताकत है वो कम हो जाती है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार के साथ में घटता है। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा प्रभाव घटेगा। तो यहां पर लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर वैसे देखा जाए ऊपर से नीचे अपन जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाने पर जो आपका जेफ है वो कम होता है, क्योंकि आपका आकार जो है वो बढ़ता है। तो आकार बढ़ने से जेफ कम होता है, जेफ कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के किसने रख रखा था, नाभिक ने। अब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव अगर कम होगा तो आप आसानी से उसको खींच के ले जा सकते हो। इसीलिए जब अपन नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाते हैं तो आप देखो आयनन विभव घटता है, आयनन विभव घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि आपका जेफ घटता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सारे वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हो ताकि आपको मजा आए। ऐसा ही है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में भी अपन ने उस वीडियो में अच्छे से बात की थी कि जब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात एकल सहसंयोजी बंध बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ खींच के चीटिंग कर लेते हैं। चीटिंग कैसे करते हैं, एच और एफ के बीच में बात हुई थी कि भाई एच और एफ का बीच में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, साझेदारी करेंगे, परंतु हुआ क्या कि एफ का आकार छोटा था, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा था, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, और इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके उसने ऐसे रख लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से उसकी तरफ गए इसलिए इस पर आएगा पार्श्व ऋणात्मक, इसके पास से थोड़े से दूर गए तो इस पर आएगा पार्श्व धनात्मक, इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि आपके पास जेफ होना चाहिए। खुद का घर अच्छे से नहीं संभल रहा, दूसरे का क्या संभालोगे। तो अगर आपके तत्व के पास में ज्यादा जेफ होगा तभी वो सहसंयोजी बंध में चीटिंग करके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। और आपको पता है कि जब आप नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाते हो तो आकार बढ़ने के कारण जेफ कम होता है, और जेफ कम होगा तो आपकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, कम होगी। आप देख सकते हो जैसे जैसे आप नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जा रहे हो विद्युत ऋणात्मकता आपकी जो है वो घट रही है। और एक कमाल की बात जो टॉपिक को लिंक करेगी, आप इन दोनों को देखो, आपकी एंटीमनी और बिस्मिथ की विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर है, लगभग क्या एग्जैक्टली बराबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका आकार बराबर है। मैंने कहा था ना आपको कि अगर आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आकार लगभग बराबर है डीएनए ब्लॉक के एंट्री के कारण, लेंथेनेट एटोनेट संकुचन के कारण, तो ये प्रॉपर्टी भी जो आ रही है वो बराबर आ रही है। तो एक बार अगर तार सही से पकड़ में आ जाए ना तो मस्त इसके अंदर कनेक्शन होता है, पी ब्लॉक यही चीज है। तो आपको हर एक ट्रेंड का, हर एक चीज का लॉजिक ढंग से पता होना चाहिए। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग लॉजिक भी मिल सकते हैं, बट आपको एक ऐसा लॉजिक ध्यान में रखना है जो आपको सही लग रहा हो, सुनने में आपको समझ में आ रहा हो, ठीक बात। तो ये आपका टॉपिक था। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर और भी डिस्कस करेंगे, और भी बातों को अपन डिस्कस करेंगे। मैं ये सारे ट्रेंड आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इस वीडियो में आपने क्या सीखा, आपने सबसे पहले नाइट्रोजन परिवार से मैंने आपको मिलवाया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन सब के आउटर मोस्ट शेल अर्थात बाह्यतम कोश की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो होता है NS2NP3। ये आपने सीखा। फिर आपने जाना कि ये भाई साहब गैस हैं, ये सॉलिड हैं, ये तीनों सॉलिड हैं, ये दोनों जो है अधातुएं हैं, ये उपधातु है और ये आपकी पुअर धातु है, गरीब धातु है। उसके बाद इन सब की जब बात हो रही थी तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि इसलिए हो रही है
क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है, कोश बढ़ेंगे तो नाभिक की जो दूरी है बाह्यतम कोश से वो बढ़ेगी, परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। वीडियो सेकंड, घनत्व आपका जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, नाइट्रोजन से बिस्मिथ तरफ जा रहे हो, तो तत्व भारी हो रहा है, उसका परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो उसका घनत्व भी दोस्तों बढ़ेगा। उसके बाद गलनांक की बात आती है, गलनांक वो टिपिकल चीज है, गलनांक इतना आसान नहीं है समझना, गलनांक के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम में आते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो गलनांक को देखने के लिए आता है वो है पैकिंग एफिशिएंसी, निविड़ संकुलन, कि कितना ज्यादा अच्छे से आपकी संरचना चिपकी हुई है, पैक है, निविड़ संकुलित है। सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर फर्स्ट, जितना ज्यादा पैक होगी उसको अलग करना उतना ही मुश्किल होगा, पिघाल रहे ना अपन। गलनांक का मतलब क्या होता है, पिघालना, सॉलिड को लिक्विड में बदलना, ठोस को द्रव में बदलना, तो ठोस जितना अच्छे से पैक होगा उसको पिघाल करके अलग करना उतना ही मुश्किल होगा। तो जहां पे पैकिंग बहुत अच्छी होती है वहां पे आपका गलनांक ज्यादा होता है, और जहां पैकिंग कमजोर हो जाती है वहां पे गलनांक कमजोर होता है। अब आप नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन पहले से ही गैस है, तो यहां तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए आप देखो गलनांक बहुत कम है। और वैसे भी अधातु का गलनांक बहुत कम ही होता है, अधातु का कम ही होता है, धातु का ज्यादा होता है, फिर भी 100% श्योर नहीं हम, क्योंकि आप देखो जब आप इधर से इधर आ रहे हो तो गलनांक में एकदम से कमी आ गई। तो गलनांक की जो कमी है वो कमी का कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जादुई ट्रिक से आपको बता दिया जाए, गलनांक के लिए बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए काफी बुक्स में इसके रीजन अलग अलग लिखे होते हैं। कुछ जगह लिखा होता है डीएनए ब्लॉक के एंट्री होने के कारण इन दोनों का आकार बराबर है इसलिए अपवाद देखने को मिल रहा है, सही है। कहीं लिखा होता है कि आपका ये दोनों जो तत्व हैं अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो है इस तरह से होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव आगे आके पढ़ोगे, तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के लॉजिक लिखे होते हैं। बाकी हम इसमें एकदम रूट लॉजिक को याद रख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, जब आपकी निविड़ संकुलित संरचनाएं कमजोर पड़ेंगी तो आपका गलनांक भी कमजोर होगा। क्वथनांक का बहुत सिंपल है, क्वथनांक के लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्यमान, जितना ज्यादा मोलर द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा आपकी एक अणु और दूसरे अणु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल को यहाँ नाम देते हैं वांडरवाल बल, तो वांडरवाल बल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और भी काफी फैक्टर होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वगैरह, आगे आएगा तब पढ़ेंगे। दूसरी बात, इसलिए जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो आपके वांडरवाल बल बढ़ रहे हैं, मोलर द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो क्वथनांक भी बढ़ रहा है। आयन विभव के लिए आप जेफ को देख सकते हो, जितना आपका जेफ बढ़ेगा आयन विभव बढ़ेगा, जेफ कम होगा तो आयन विभव भी कम होगा। और जेफ को कैसे देखते हैं, जेफ को देखने के लिए आकार की सहायता लेते हैं, अगर आकार बढ़ रहा है तो जेफ कम होगा, आकार कम हो रहा है तो जेफ बढ़ेगा, और जेफ से ही डिपेंडेंट है दोनों, क्योंकि जितना ज्यादा जेफ होगा उतना ही आयन विभव ज्यादा होगा, जितना ज्यादा जेफ होगा उतनी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर मतलब नाइट्रोजन से बिस्मिथ पे जाने पर जेफ कम हो रहा है, इसलिए ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यहाँ लगभग बराबर है क्योंकि इन दोनों का आकार बराबर है, क्योंकि डीएनए ब्लॉक के कारण लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन है। मैं इस वीडियो में बार बार एक ही चीज को इसलिए बोलता रहा ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चला जाए, और जब आप इस वीडियो को काट दो, कैंसिल कर दो, उसके बाद आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े, यही हमारे पढ़ाने का तरीका है। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मंडे से फ्राइडे तक शाम को 6 बजे हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस, थैंक यू। और इस वीडियो के नोट्स के लिए आप नीचे आने वाले व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखा होगा तो आप याद भी कर पाएंगे। थैंक यू।